आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और एक आशा के साथ, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में सबसे ऊंचे और पवित्र सिंहासन पर विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। पिता, हम आज, मैं और प्रभु आपके सारे दास दासी और आपके हर एक लोग जो आपसे प्रेम करते हैं पिता, हम सब आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज आप हमें क्या बताना चाहते हो, आज हमें क्या आप सिखाना चाहते हो, आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा, पाक आत्मा, मैं और हम सब अपने आप को आपके चरणों में झुकाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे कानों को, हमारी सोच को आप खोल दीजिए, दिलों को खोल दीजिए पिता, और आज नया परिवर्तन मेरे और हमारे जीवन में लाइए। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। सारी दुष्शक्तियां और शैतान जो हमें आपके वचनों को सुनने से और सीखने से रोकते हो, दुष्शक्तियों को, शैतान, शैतानी आत्माओं को, उनके हर एक ऑब्स्टिकल्स को यीशु के लहू में मैं बांधता हूँ और तोड़ देता हूँ, सामर्थ्यवान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, सुने और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यारो, आज हम मिलकर, मैं और हम सब मिलकर कुछ देखना चाहते। बहुत ही भयावह ऐसा समय हमने देखा है, हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं। मेरे जीवन मैंने अपनी और काफी दोस्तों से बात की कि मेरे जीवन में काफी कठिन कठिन समय मैंने देखा। ये समय है, बहुत ही भयावह समय मैंने कभी इस समय में सिर्फ महामारी का खतरा और महामारी से दुखी है या तो इतना ही नहीं है, लेकिन बातचीत हम लोग करते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, बहुत सारे नाता है हाउस ऑफ प्रेयर का, और विदेशों में भी कई लोग हैं जो हाउस ऑफ प्रेयर की सेवकाई से आशीषित हुए और जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं तो मैंने एक बहन, हमें एक लड़की ने फोन करके बताया कि मुझे जबरदस्ती, मुझे कंपेल, मुझे फोर्स किया गया कि मैं रिजाइन कर दूं, और मैंने रिजिग्नेशन लेटर लिख कर दे दिया है। मेरी एक बहन, उसने भी कहा कि मेरी जॉब चली गई है। मेरा भाई जो विदेश में रहता है, उसने भी कहा कि कई लोगों की जॉब चली गई है। यारों, जॉब नहीं, हमारी का समय चल रहा है। थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि काफी ऐसे छोटे छोटे बिजनेस, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हम देखते हैं आसपास, वो काफी कठिन समय से गुजरेगा, वे लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन ऐसे सब माहौल में प्यारो, पता है, मैं प्रभु यीशु का दास और यीशु का बच्चा, मेरे दिल में एक अद्भुत शांति है, और ये महामारी ने वो शांति मेरी चुराई नहीं है। मेरी शांति जो यीशु की शांति है मेरे दिल में आज भी है, और मुझे कोई ऐसे डर या तो भय सताता नहीं है। प्रभु यीशु की शांति मेरे मन और दिल में है, और मैं आशा करता हूं जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उनसे ये चारों तरफ विश्व में आप देखो, परिस्थिति बहुत ही खराब है,
कई लोगों की नौकरी चली गई, कई बिजनेसेस आज ऐसा माहौल है कि शायद ही वो बिजनेस फिर से शुरू होगा। लेकिन ये भयावह परिस्थिति में मैं परमेश्वर के एक वचन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ प्यारो। भजन संहिता, अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्लीज खोलिएगा, वरना मैं आपके लिए आयतें पढ़ता रहूंगा, समय थोड़ा ही लूंगा, और जितनी आयतें हम पढ़ सकते हैं उतना जरूर पढ़ेंगे। जो अगर हम भजन संहिता 23 को की तरफ देखें, तो यहाँ पर पहली आयत ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु यीशु आपका चरवाहा है, तो प्यारो परिस्थिति बदल जाए, चाहे आसपास कैसा भी माहौल हो, लोग अगर खाने के लिए पानी के लिए तरसे भूखे, लेकिन आप याद रखना, अगर यहोवा प्रभु यीशु आपका चरवाहा है, आप उसकी भेड़े हो, ये इस संबंध आप जानते हो ना, ये संबंध धार्मिक नहीं है। चरवाहा की आप अगर सुनते हो, प्रभु यीशु कहता है कि मेरी भीड़े मेरे सुनते हैं, चरवाहा की सुनते हैं, आप सुनते हो, आप उनके पीछे चलते हो, तो सचमुच वो आपका चरवाहा है और आप उसकी भीड़े हो। तो उनके लिए परमेश्वर की ये प्रॉमिस है और वो हटेगा नहीं। क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कोई घटी आपको नहीं होगी। आपके पास छोटा बिजनेस है, आपके पास नौकरी है, याद रखना कोई कमी घटी आपको नहीं होगी। परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वचन है जो आपसे जुड़ा हुआ है, और ये कभी परमेश्वर अपनी बातों से मुकर कर मुड़ कर वापिस नहीं जाएंगे, ना ही वो ना मना नहीं करेंगे। और जैसे मैंने कहा, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो खराब समय में आपके लिए एक प्रॉमिस हम लोग आपको दे रहे हैं, ये है कि परमेश्वर ये कहते हैं मुझे, यानी आपको, मुझे, हम परमेश्वर के बच्चों को कुछ घटी ना होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। और एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है उसी भजन संहिता 37 में, 37 चैप्टर में, अगर आप चौथी और पांच मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी इच्छाओं को वो पूरी करेगा। परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं देखा कि महामारी के समय में भाई नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने नहीं कहा है कि तेरी चिंता छोटी होगी, संभव होगा तो मैं तेरी चिंता को ले लूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। कई बार हम मनुष्य को कहते हैं कि मुझे ये जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? जरूर सामने से जवाब ज्यादातर यही रिस्पॉन्स होता है, मुझसे होगा तो जरूर करूंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि मुझसे होगा तो, परमेश्वर तो आपसे और मुझसे पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? परमेश्वर के लिए सब कुछ प्यारो संभव है, सब कुछ। और इसलिए परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आपको कोई चिंता है प्यारो? आपकी नौकरी चली गई है क्या? आपको ये भय सता रहा है कि मेरी नौकरी, मेरे परिवार के सदस्यों की नौकरी चली जाएगी? तो परमेश्वर आपसे ऐसे समय में कहते हैं कि तेरी सब चिंता, तेरे अपने मार्ग की सारी चिंता तू उन पर छोड़ और उनका उन पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। और बड़ी अच्छी बात, मुझे आज सुबह से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये कहा है कि तेरे मनोरथों को वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मनोरथों को, मेरी इच्छाओं को, मेरे स्वप्नों को वो पूरा करेगा। कितनी इस दुनिया में कौन सी जाति ऐसी है जिनके पास ये प्रॉमिसेस हो? कौन ऐसे लोग हैं जो ये कहे कि नहीं, ये महामारी आए जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति आसपास का समय, मेरे आसपास जो भी परिस्थितियां वो बिगड़ जाए, खराब हो जाए, या तो और भय सताए, लेकिन इसमें
मैं एक विश्वास के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल की इच्छाओं को और स्वप्नों को वो पूरा करेगा। ये तो सिर्फ परमेश्वर के लोग, यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोग, अपने मार्गों की चिंता उसको देने वाले लोगों के पास ये प्रॉमिस है। तो प्यारो, आप कैसी अवस्था में हो मैं नहीं जानता। कुछ कुछ लोगों के साथ हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, हर रोज फोन करके। कुछ लोगों की परिस्थिति के विषय में हमें पता है, शायद आपसे हमारी बात हुई ना हुई, लेकिन एक बात याद रखिए, जरूर समय कठिन है, महामारी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं मुझे न होगी। और परमेश्वर यही प्रॉमिस देते हुए कहते हैं, वह यानी परमेश्वर यहोवा, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके कोई स्वप्न है, आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई इच्छा है, तो वो आपकी इच्छाओं को, स्वप्नों को पूरा करेगा। मूल बात में आपको आज ये परमेश्वर जो सिखाना चाहता हूं, आपके जीवन में शायद कोई तकलीफ में आप हो, शायद आपके परिवार में कुछ जरूरत हो, आपकी कुछ इच्छाएं हो, आपके कुछ ड्रीम्स हो कि मैं ऐसा देखूं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे हैं ना बड़े होकर परमेश्वर के दास बने। पास्टर साहब, मैं ये जो मेरा बेटा है ना, ये बेटे को मैं डॉक्टर देखना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर साहब, मैं है ना अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन खत्म होती, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। पास्टर साहब, हमने बहुत दुख देखा है, हम हमेशा किराए के घर में ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कमाना शुरू करूं, एक छोटा सा घर अपना लेकर, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहनों को लेकर मैं अपने घर में रहने जाऊं। पास्टर साहब, मैं ऐसा चाहता हूं कि घर के आगे है ना एक छोटा सा गार्डन हो, बैकयार्ड में पीछे भी कुछ गार्डन जैसा हो। पास्टर, मैं ऐसा घर चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ड्रीम है बहुत सालों से, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि क्या मेरे स्वप्न पूरा होंगे। आपके कोई ड्रीम है? आपको कोई तकलीफ है प्यारो? से गुजर रहे हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये कहते हैं अपने प्रॉमिस में कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपके ड्रीम को पूरा करेगा। आपको, आप चाहते हो कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए, आप चाहते हो जो भय आपको सता रहे वो भय से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। जो जो घटना आपको लग रहा है कि घटने वाली है, ऐसा होगा मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको कोई भय सता रहा है, आप कुछ बीमारी से लड़ रहे हो, शैतान किसी रीति से आपको सता रहा है कुछ सालों से या कुछ समय से, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। किसी घटी, किसी भी चीज की घटी आपको नहीं होगी, ये प्रॉमिस है उसकी। मैं पांच आपको स्टेप्स बता रहा हूं जल्दी जल्दी। ये पांच स्टेप याद रखिए। आप चाहते हो कि आपका स्वप्न पूरा हो, आप चाहते हो कि जिस भय स्थान, भय के आप, आपको अंदेशा है कि ऐसा समय ना आए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे बच्चे, मेरा ये बेटा बहुत शरारती बड़ा होकर खराब ना बने, गलत मार्गों पर ना चले, आपको कोई भय सता रहा है, कोई तकलीफ है आपको, कोई ड्रीम है, स्वप्न है, पांच स्टेप में आपको बता रहा हूं, ये याद रखिएगा और सीख लीजिएगा। पहला है जो परमेश्वर कहता है वो, किसी ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। पहली बात जो है, अगर आप चाहते हो कि आपकी आपके स्वप्न पूरा हो, आपकी तकलीफों से आप बाहर निकलो, तो पहली चीज आस्क गॉड, परमेश्वर को आप बताइए, कहिए आप क्या चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि
अगर हम परमेश्वर को ना कहे तो हम कैसे आशा रखें कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी हमें सुरक्षा प्रदान करे, परमेश्वर मेरी नौकरी को सुरक्षित रखे, मेरे बच्चों को गलत राह पाने से रोके, मुझे आज ये टूटी फूटी झोपड़ी जैसे घर में रहता हूँ, आगे पीछे छोटा सा गार्डन हो ऐसा घर मुझे कैसे देंगे अगर मैं ना बताऊं तो। पहला पहला जो स्टेप है, मैंने पांच स्टेप के विषय में कहा, पहला स्टेप है गॉड, जो आप चाहते हो, आपके जो स्वप्न है, आप आपका कोई स्वप्न है, आपको दो बेटी है लेकिन है, आपका स्वप्न है कि बेटा मिले, आपका स्वप्न है आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका स्वप्न है आपकी बेटी बड़ी होकर प्रभु की दासी बने, आपका स्वप्न है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए करें, आपके कोई स्वप्न है कि आपको घर मिले, अच्छी नौकरी मिले, नौकरी आपकी बच जाए। आस्क गॉड, परमेश्वर को कहिए आप क्या चाहते हो। अच्छी बात लिखी है, टाइम थोड़ा बचाना चाहता हूं। यू डू नॉट हैव बिकॉज यू डोंट आस्क, यू डू नॉट आस्क दैट्स व्हाई यू डोंट हैव दैट। तो मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं। बाइबल ये कहता है, परमेश्वर कहता है आपको आपका स्वप्न पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आप मांगते नहीं हो। आस्क गॉड, आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो परमेश्वर से मांगिए, जरूर वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर यहोवा आपका चरवाहा है, यहोवा आपका बल है, यहोवा आपका प्रभु है, आपका पिता है, यीशु मसीह में वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। मांगिए, आस्क गॉड, मांगिए आप क्या चाहते हो, मांगिए परमेश्वर आपके लिए क्या करे, आप कहिए उन्हें वो आपके लिए क्या करे। आप उनसे मांगेंगे वो जरूर करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु जब संसार में आए तब उन्होंने लोगों को यही सिखाया और यही कहा, मांगो तो मिलेगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। और याकूब जो कहता है, फिर से एक बार कहना चाहता हूं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। आपका स्वप्न कोई भी हो प्यारो, अगर जरूरत है तो गलत नहीं है, आप परमेश्वर से मांगिए, जरूर मांगिए प्यारो। एक बार एक पास्टर साहब आए और सुबह सुबह में आए थे, वो बाहर गांव से आए थे और एक बड़ी कलीसिया के वो पास्टर थे और बड़े हमारे अच्छे मित्र है वे, और हमसे आकर उन्होंने बहुत रोए हैं मेरे यहाँ पर हाउस ऑफ प्रेयर में आके। हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि इतने बड़े सीनियर पास्टर और बहुत रो रहे थे, आंसू आंसू उनकी आंखों से बह रहा था। हम भी बहुत दुखी होकर उनसे पूछा कि सर आप क्यों इतना रो रहे हो, क्या कारण हम जान सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे शादीशुदा जीवन में इतने साल हुए बच्चा नहीं है, इसलिए हमें परिवार के लोग हमें ताना देते हैं, झूठ मूठ की बातें हमें कहते हैं और हमें पीड़ा देते, दुख देते हैं। हमें कई बार तो ऐसा होता है ये लोगों को क्यों कहने का कारण मिल रहा है। हमने उनको कहा पास्टर साहब क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे। हमने कहा लेट अस गो एंड आस्क गॉड, बच्चा हम मांगे उनसे। और विश्वास कीजिए प्यारो, हम परमेश्वर के दासों ने उनके लिए दिल से हमने प्रार्थना की और कहा प्रभु तेरा दास रोए अच्छी बात नहीं है, प्रभु हम दिल से मांगते हैं उनको बेटा दो प्रभु, उनको बेटी दो प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार जो भी तू चाहता है प्रभु बच्चा इनको मिले। और पता है हमने तुरंत ही कहा, परमेश्वर ने जो कहा था हमने आज किया है। पास्टर साहब बहुत जल्दी आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होगी और बच्चा आएगा आपके घर में। थोड़ी ही दिनों में
यानी 2-3 महीने बाद पास्टर साहब का फोन आया और कहा कि पास्टर सचमुच हमारी को प्रभु ने सुन लिया है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हालेलुया। प्यारो, असंभव आपको लगता है, परमेश्वर के लिए संभव है। कृपया परमेश्वर के पास जाइए और प्रार्थना कीजिए, मांगिए मांगिए प्यारो। पहला स्टेप है वो है आस्क गॉड, परमेश्वर के पास जाइए और उनको कहिए आपकी दिल की इच्छाएं क्या है, आप क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, आप परमेश्वर से कहिए। दूसरा, सेकंड, बी स्पेसिफिक। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या तो प्रेयर पॉइंट, आपकी जरूरतों के बारे में स्पेसिफिक चौकस रहिए, क्या आप चाहते हो। प्रभु ऐसा कुछ देना, ऐसा नहीं, स्पेसिफिक रहिए। प्रभु घर के आगे गार्डन चाहिए, पीछे भी छोटा गार्डन चाहिए। प्रभु 2 रूम का घर मुझे चाहिए। प्रभु मेरा बेटा डॉक्टर ही बने। आप ये मत प्रार्थना करो प्रभु मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ बने, ये स्पेसिफिक नहीं है। बी स्पेसिफिक। आप अपनी दुआओं में स्पेसिफिक रहिए, आप एकदम चौकस रहिए, आप क्या चाहते हो। यारो, याबेस के विषय में पहले इतिहास 4 चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ लेना, अगर आपके पास बाइबल है तो अभी भी खोलकर आप पढ़ सकते हो। याबेस के विषय में लिखा है कि याबेस ने ही प्रेड वेरी स्पेसिफिकली, उसने कहा कि मुझे यू लॉर्ड प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी इन माय वर्क्स, जो भी मैं काम करता हूं मेरी सहायता करें, बी विथ मी इन ऑल वॉट एवर आई डू, मैं जो भी काम करूं उसमें मेरे साथ रहे, एंड ब्लेस मी, मुझे मेरे काम को तू आशीष दे, बुराई और पीड़ा से बचाना प्रभु। बहुत स्पेसिफिक था उसकी उनकी बिनती। और क्षमा कीजिए, याबेस ने जो प्रार्थना की वो बाइबल ये कहता है कि याबेस ने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने याबेस की दुआओं को सुनकर उन्हें वो दिया। बी स्पेसिफिक। मैं एक बार यही गुजरा तो मुझे बहुत काफी भीड़ थी, पूरी बस जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है वो भरी हुई थी और विंडो सीट तो मिलने संभव ही नहीं था कि विंडो सीट मिले, क्योंकि बस में बहुत क्राउड था, पूरी पूरी बस भरी हुई थी, बहुत सारे लोग थे और बहुत लोग खड़े हुए थे, अरे खड़े रहना यानी खड़े रहने की जगह भी नहीं थी, मैं भी खड़ा था ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जगह ही नहीं थी। और मैंने ऐसे समय क्या प्रार्थना की पता है, प्रभु मुझे खिड़की वाली सीट दे दे, विंडो सीट मुझे चाहिए प्रभु। और मैंने मांगा प्रभु से, प्रभु मुझे विंडो सीट दे, और पता है तुरंत ही प्रभु ने क्या कहा मुझे, तू आगे जा, 2-4 जो लाइन है सीट की थोड़ा आगे जा, वहां एक वो बहन है वो उठेगी। मैं धीरे से वहां आगे गया, जो मेरे आसपास खड़े थे वो लोग मुझे देख रहे थे, पागल इधर कहाँ जा रहा है, जगह तो है नहीं। लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि जा, वो जगह खाली होगी अभी। और बीच में तो कोई बड़ा स्टेशन आ ही ना रहा था, और एक्सप्रेस बस थी वो बड़े स्टेशन पर ही खड़ी रहती है, और लंबा सफर था, 5-5.5 घंटा मुझे जाना था दूर पंचमहल। तो जब मैं जैसे ही सीट के पास वो रो जो थी वहां पर खड़ा रहा, तुरंत ही वो बहन खिड़की वाली जो बहन थी वो खड़ी हो गई। और आपको पता है ना, जो पास में बैठा होगा वो खिड़की के पास जाकर बैठ कर क्या कहेगा, अब आप मेरे पास बैठ जाओ, यानी खिड़की की सीट तो मिलने से बिल्कुल असंभव है। लेकिन मेरी बिनती में मैं बहुत स्पेसिफिक था, खिड़की वाली। तो जब बहन उठी तो वैसे होना चाहिए कि जो भाई बैठा था वो हटकर वो खिड़की के पास चला जाए और
उसकी जो सीट जहां बैठा है वो मुझे ऑफर करे, ऐसा नहीं हुआ। वो बहन जैसे ही खड़ी हुई, वो भाई साहब ने कहा आ जाइए यहाँ खिड़की के पास बैठ जाइए। हालेलुया, आई वाज सो स्पेसिफिक। और प्यारों मैं आपको सचमुच में कहूं, बहुत सालों से परमेश्वर ने जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, सबसे पहली आशीष प्रभु ने मुझ को दी अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, वो था प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थनामय जीवन की उत्तम भेंट मुझे प्रभु ने दी। आज भी मैं लोगों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए मैं जल्दी उठने की पूरी कोशिश करता हूँ। हर रोज नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन मैं जल्दी उठता हूँ, उपवास के साथ प्रभु के पास जाता हूँ और बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ, चाहे मैं किसी के लिए मांगू या मेरे लिए मांगू, मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ। मैंने कहा प्रभु खिड़की वाली सीट, और प्रभु ने कहा जाओ। वो भाई साहब नहीं बैठे क्योंकि परमेश्वर ने वो खिड़की वाली सीट मुझे दे दी थी। हालेलुया, हालेलुया। आप पहला स्टेप, पहला आस्क गॉड, आपका कोई ड्रीम है, आपको कोई भय सता रहा है, आपकी कोई तकलीफ है, कोई शैतानी काम आपको सता रहा है, आप कुछ काफी समय से, काफी सालों से कोई तकलीफ से गुजर रहे हो, आस्क गॉड, परमेश्वर को कहिए वो इंटरफियर करे, इंटरवीन करे, और परमेश्वर आपको जरूर वो उससे छुड़ाएगा। Ask God and be specific in your request. आपकी जरूरत के विषय में, आपकी प्रार्थना के विषय में आप बहुत ही स्पेसिफिक रहे। याबेस ने कहा प्रभु मुझे bless me, help me in my all works, be with me whatever I do, और बुराई और पीड़ा से मुझे बचा। और बिल्कुल प्रभु ने वैसा ही किया। बाइबल ने कहता है याबेस ने जो मांगा प्रभु ने उससे दिया। दो, फर्स्ट आस्क गॉड, बी परमेश्वर से मांगिए, कहिए, और दूसरा बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, चौकस रहिए क्या आप चाहते हो। तीसरा, आपने प्रभु से मांगा, आप बहुत चौकस बिनती, स्पेसिफिक बिनती प्रभु के पास ले गए। अब तीसरा स्टेप, आपकी ऐसी अवस्था में, दुख की घड़ी में, जरूरतों के समय आपको कोई भय सता रहा है, शैतान आपसे परेशान कर रहा है, तीसरा स्टेप आप अपेक्षा रखें, एंटीसिपेशन, आप अपेक्षा रखिए कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनकर उत्तर देगा। आपको अपेक्षा रखना है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मैंने अपेक्षा रखा और मैं चलकर थोड़ी देर 5-10 मिनट उस सीट के पास बस में मैं खड़ा रहा। मैंने अपेक्षा रखा कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैंने भरोसा भी किया और मैंने अपेक्षा भी रखा कि प्रभु मेरी 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 जरूरत को जानता है, 5.5 घंटा में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ था, पांव मेरे दर्द की अवस्था जानता है। मैंने अपेक्षा रखा प्रभु मेरी दुआओं का उत्तर देंगे। अपेक्षा क्या, किस बात की अपेक्षा? उत्तर की अपेक्षा, जवाब मुझे प्रभु देगा। प्लीज आप अपेक्षा रखिए। अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप अपेक्षा रखिए कि उत्तर आपको मिलेगा। एक बार हम लोग प्रभु के दास हम बाहर थे और एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वो हिल स्टेशन था पास में, हम थोड़ा घूमने गए और मेरे अपने हाउस ऑफ प्रेयर चर्च की एक बहन का फोन आया, रो रही थी कि भैया मेरी बड़ी बहन जो प्रेग्नेंट है, अभी हम लाए हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके कहा है बच्चा तो उल्टा है, इमीडिएटली हमें सीजरियन ऑपरेट करके बच्चा ले लेना पड़ेगा, मर सकता है बच्चा, और ये वुमन भी, ये बहन भी मर सकती है। तो हमने तुरंत कहा कि नहीं, क्यों रो रहे हो, चलिए आप हम प्रार्थना करिए करें। तो पहला स्टेप आस्क गॉड, हमने कहा चलो प्रार्थना करें। तुरंत हमने परमेश्वर से इंटरवीन, हमने उनसे कहा प्रभु आप
आप अभी इसी वक्त हमारी बहन के पेट में जो बच्चा है उसको पिता आप जो उल्टा हो गया है वो सीधा कर दो, वो बच्चा घूम जाए। तो पहला वी आस्क गॉड टू डू समथिंग, दूसरा हम बहुत ही स्पेसिफिक थे बच्चा घूम जाए, हमने नहीं कहा हो सके तो प्रभु ना सीजरियन ऑपरेशन में सुरक्षित रखना, सफल रहे ऐसा नहीं कहा, हमने कहा बच्चा घूम जाए। और हमने तुरंत ही अपेक्षा रखते हुए हमने उस बहन को आमीन करते हुए कहा अपनी बहन के पेट पर हाथ रखो और देखो बच्चा घूम रहा है ना। तो वो बहन ने तुरंत ही अपनी बहन के पेट पर हाथ रखकर कहा, रोते रोते कहा, भैया सचमुच बच्चा घूम रहा है। हमने कहा भी 5 मिनट बाद डॉक्टर से कहिएगा कि वो सोनोग्राफी करे, और अभी आपको लग रहा है आप फील कर रहे हो कि बच्चा घूम रहा है, लेकिन डॉक्टर आपको 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद कहेंगे कि सचमुच बच्चा घूम कर सही पोजीशन में आ चुका है। हमने अपेक्षा रखी कि परमेश्वर, किस चीज की अपेक्षा रखी, जवाब की, आंसर की। हमने आशा रखी, अपेक्षा रखी कि हमें जवाब मिलेगा ही। और प्यारो उस बहन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहेबा हम मेरे पासवान ने दुआ की है और आप प्लीज दूसरी बार सोनोग्राफी कीजिए। और डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर किया तो उन्होंने कहा सचमुच आप सही हो, बच्चा घूम गया है और सही पोजीशन में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो तीसरा स्टेप, तीसरी बात, आप जवाब की अपेक्षा रखिए। पहला क्या था, आस्क गॉड, परमेश्वर को आप अपनी तकलीफ, अपने ड्रीम्स, अपने स्वप्न, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के पास ले जाइए, ले जाइए प्यारो। दूसरा, आप प्यारो जब परमेश्वर के पास जाते हो तो स्पेसिफिक रहिए, आपके विनती के विषय में, आपकी जरूरतों के विषय में आप स्पेसिफिक चौकस रहिए, आप क्या चाहते हो। तीसरा, परमेश्वर को कहने के बाद आप अपेक्षा रखिए, जवाब की अपेक्षा रखिए, परमेश्वर आपको जवाब देगा। आप जवाब की आशा रखिए, अपेक्षा रखिए, वो आपको जवाब जरूर देगा। और चौथा पॉइंट, पहला गॉड, दूसरा जैसे मैंने बताया कि बी स्पेसिफिक इन योर रिक्वेस्ट, आपकी जो भी विनती है उसमें स्पेसिफिक रहिए। तीसरा, आप जवाब की अपेक्षा रखिए। और चौथा, आप धीरजवान बनिए, भी आप धैर्यवान बनिए। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो स्वर्ग से दूत आकर उनसे कहा, मैन ऑफ गालीली, व्हाई डू यू स्टैंड हियर लुकिंग इनटू हेवन, आप इस तरह ऊपर क्या देख रहे हो, जिस रीति से को तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा, वो आएगा। इतने साल हो गया है प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आज भी धीरजवान होकर आशा में आज भी बने हुए हैं कि यीशु आएगा। ये प्रभु यीशु के आने के विषय में मैं कह रहा हूं। आप बाइबल में देखिए प्यारो, समय बहुत कम है, लेकिन आप बाइबल से देखें तो कितने सारे ऐसे टेस्टिमनीज आपको बाहर, हमारे जैसे लोगों की टेस्टिमनी, आपकी टेस्टिमनी तो बहुत है, लेकिन बाइबल से आप देखिए कि परमेश्वर को कहने के बाद जब धीरजवान बने रहे, धीरज रखी, तो परमेश्वर ने सचमुच उन्हें उत्तर दिया। प्यारो मेरे कुछ साल पहले मैंने गवाही चर्च में दी थी, लेकिन आज याद आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, मुझे बहुत दुख देता था प्यारो, मेंटली बहुत पीड़ा देता था वो, लेकिन वो नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था, लेकिन कभी मैंने उससे कभी बातचीत ना, कुछ ऐसी बुरी बातें मैंने उसको कही, मैं ना ही उनके सामने देखता था मुझे, लेकिन उसको देखकर बहुत पीड़ा होती थी क्योंकि उसने बहुत नुकसान मुझे किया था।
और समय समय पर वो मुझे बहुत पीड़ा देता था मेंटली। मैंने प्रार्थना शुरू की, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये व्यक्ति को देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है प्रभु, मैं प्रभु ना ही ऐसा मेरा मन है कि उससे हाथापाई हो, उससे मैं कुछ गलत बोलूं, उसको डांट और कुछ करूं प्रभु, लेकिन उससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है। और मैंने आई वॉज सो स्पेसिफिक इन आस्किंग, प्रभु से जो मांग रहा था उसमें बहुत स्पेसिफिक मैंने क्या मांगा पता है, प्रभु इसको आशीष दे, जो भी धन बिजनेस कर रहा है उसमें आशीष दे, लेकिन इसको मेरे दृष्टि से मेरी आंखों से तू दूर कर। जब मैंने प्रभु से मांगा तो प्रभु ने क्या कहा पता है, तू उसे ढूंढेगा तो भी वो नहीं मिलेगा, इतना दूर मैं ले जाऊंगा इसको। और कई सालों तक मैंने नहीं देखा उस व्यक्ति को, फिर मैंने बीच में प्रभु से कहा, प्रभु वो जीवित तो है ना, कोई खराब ऐसी घटना तो नहीं हुई ना, तो एक बार उसको दिखा देना प्रभु जीवित। तो जैसे मैंने प्रार्थना की, थोड़े ही दिनों में देखा मेरे सामने वो व्यक्ति सामने से गया, अभी नहीं देख पा रहा हूं। इतने सालों में करीबन 20-25 साल हो गए, उस व्यक्ति को एक बार मैंने देखा है। आई वॉज सो स्पेसिफिक, प्रभु उस व्यक्ति को मेरी आंखों से दूर कर, मेरी दृष्टि से दूर कर। और मैंने पता है एक दिन प्रार्थना नहीं की, आई वॉज प्रेइंग एवरी डे, क्योंकि मेरे मैं जहां ट्यूशन जाता था, जहां पर मैं पढ़ने जाता था, बीच में उसकी शॉप आती थी और हमेशा वो ऐसे ही उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी ताकि मुझे पीड़ा हो, दुख हो, मेंटली स्ट्रेस में रहूं। तो एवरी डे मैं उसको देखता था और एवरी डे मैं प्रार्थना करता था। शायद मैं वीक में 2-4 बार नहीं किया होगा, लेकिन मैं अक्सर प्रार्थना करता था। मैं बहुत धीरजवान बना, तुरंत ही मैंने, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्रार्थना शुरू की और व्यक्ति दूर हो गया, लेकिन मैं धीरजवान रहा। मैं अपेक्षा रखता था कि प्रभु मुझे जवाब देगा, और प्यारो सचमुच प्रभु ने काफी लंबा समय, करीबन मैं कह सकता हूँ 2-3 साल मैंने प्रार्थना की होगी इस विषय में। हालेलुया, बी पेशेंट, धीरजवान बनिए। यीशु के विषय में आज भी इतने साल से हम इंतजार करें, प्रभु यीशु ऐसा ही हमें ले, तो और भी दूसरी बातों में भी हम धीरजवान। शायद आपने कोई बीमारी के विषय में प्रार्थना की, आपके परिवारजनों के, तुरंत ही वो खड़े नहीं हुए, ना कूदने लगे, ना चंगा हुए, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करना जारी रखिए, कीप ऑन आस्किंग, जारी रखिए प्रार्थना करना, मांगना जारी रखिए, आस्था रखिए, आप आशा रखिए के, अपेक्षा रखिए कि प्रभु आपको उत्तर देगा, एक दिन जवाब मिलेगा। प्यारो आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होगा, जरूर होगा। आपको घर चाहिए, प्रभु जरूर देगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपेक्षा रखिए, बी पेशेंट, धैर्यवान, धीरजवान बनिए, एक दिन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। पहला, आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगिए। दूसरा, ये आप बहुत ही स्पेसिफिक रही आपकी जरूरत मांगने, आपकी रिक्वेस्ट के विषय में आप जो मांग रहे स्पेसिफिक रहिए, दूसरा। और तीसरा, आप उत्तर की, परमेश्वर से उत्तर पाने की अपेक्षा रखिए, आशा रखिए, वो जरूर आपको उत्तर देगा। चौथा, बी पेशेंट, धीरजवान बने, तुरंत ही अगर आपको उत्तर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप धीरजवान बने रहिए। और आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हैव फेथ, विश्वास रखिए। गॉड ऑलवेज ऑनर्स फेथ, परमेश्वर हमेशा विश्वास को, पिता परमेश्वर स्वर्गीय विश्वास को सचमुच ऑनर करते हैं। हिब्रू 11 साफ लिखा है, विश्वास बिना प्रसन्न करना परमेश्वर को असंभव है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप मत्ती 9 अध्याय में देखो तो
वो अंधे व्यक्ति जब परमेश्वर के पास गए, तब वो अंधा परमेश्वर के पास आता। परमेश्वर ने प्रश्न किया, डू यू बिलीव, क्या तू विश्वास करता है? और उसी क्वेश्चन का सेकंड हाफ पार्ट, दूसरा आधा प्रश्न प्रभु आगे करते हैं, डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दैट, मैं जो तू जिस आशा से मेरे पास आया है, क्या तू विश्वास करता है कि वो मैं कर सकता हूं? तू आशा करता है, विश्वास करता है? उस अंधों ने कहा, अंधे ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उन्हें आंखें दी। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। देखो, अंधे व्यक्ति जो थे वो, या जो भी चंगे चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो आए थे, वो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तूने उस व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को तूने जिला दिया, प्रभु जीवन दिया, वो मर गया था, प्रभु मैंने सुना है तूने लाजरस को भी नया जीवन, मृत्यु से तूने उठाया उसको, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैंने सुना है तूने उस पक्षघाती को, प्रभु उस बुखार जिसको था उसको, परमेश्वर जो वो खाट में खटिया में पड़ा हुआ था उसको तूने चंगा किया, मैंने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन प्रभु कहता है, हाँ तूने सुना और तूने उस विषय पर विश्वास, तेरे विषय में तू क्या कहता है? तो जो आशा लेकर मुझसे विनती कर रहा है, कर रही है, तू मुझसे जो प्रार्थना कर रहा है, क्या तू विश्वास करता है मैं कर सकता हूँ ये? क्या तुझे भरोसा है मैं ये मदद कर सकता हूँ? एक बार एक भाई साहब ने आकर कहा कि मैंने ये गवाही बार बार दी है, लेकिन अभी होली स्पिरिट मुझे याद दिला रहे। उनकी उनका तबादला होने वाला था, वो छुट्टी पर चले गए थे। अहमदाबाद में वो आए और बड़े दुखी दिल से कहा कि पास्टर साहब, मेरा एक सीईओ है, मेरा अधिकारी है, वो नया है, पता नहीं उसने क्या डिसीजन लिया, लेकिन वो चाहता है कि मेरा तबादला हो जाए, और मेरे ट्रांसफर लेटर पर सिग्नेचर हो गया, जैसे ही मुझे ऑफिस से पता चला मैं तुरंत लीव पर चला गया हूँ, ताकि वो ट्रांसफर ऑर्डर मेरे हाथ में ना लो। मैंने कहा, भाई साहब आप जब भी ज्वाइन करोगे तभी तो आपको लेना पड़ेगा ऑर्डर। बोला हाँ साहब, अभी तो मुझे नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे नौकरी, मेरी मेरी जो छुट्टी है खत्म हो गई है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं यहाँ से ट्रांसफर, में बहुत दिक्कत होगी साहब। हमने मिलकर प्रभु के दासों ने उन भाई साहब के लिए प्रार्थना की, प्रभु ये तेरा बच्चा है, तुझे प्रेम करता है प्रभु, उसका हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उसकी सीईओ की ट्रांसफर हो जाए, और प्रभु इसकी ट्रांसफर तू अभी साइन कर दे और तू ट्रांसफर कर दे। और हमने फिर उस उन भाई साहब से कहा, आप मंडे ही आप ज्वाइन नौकरी ज्वाइन कर लो, और आप अपने सीईओ का मुंह नहीं देख पाओगे। तो उन्होंने बोला क्यों? हमने कहा उसका ट्रांसफर हो गया है और उसको जाते हुए आप नहीं देखोगे, ऑलरेडी आप देखोगे कि ही हैज लेफ्ट हिज ऑफिस, और ये आप जाकर देखोगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उस भाई साहब का फोन आया सोमवार ही कि सर आपको सचमुच, आप लोग ने जो दुआ की और दुआ के बाद आपने कहा कि उसका तबादला हो गया है, तो सचमुच उसका तबादला हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हैव फेथ। अंधे ने आकर कहा तो प्रभु ने कहा अच्छा तूने सुना है, अच्छा तूने सुना है, तूने ये सुना है, वो चंगा हुआ, वो चंगी हुई, आज तूने सुना है? नहीं, यीशु के पास आते हो तो यीशु पूछेगा, तू जो मांगता है कि तेरे ए झोपड़ी जैसा घर की जगह मैं तुझे एक घर ऐसा दूं जिसमें जिसमें दो बेडरूम हो, आगो तेरे पास पैसा नहीं, तू गरीब है, लेकिन तू चाहती है कि तेरा बेटा डॉक्टर बने, तू चाहता है कि तेरी शादी जाए, परमेश्वर का मन मानने वाला बेटा
बेटी तुझे मिले, तेरी एज बहुत हो गई है, ज्यादा है, अब अच्छा लड़का और लड़की मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्या तू विश्वास करता है, तू जो मांगता है मैं कर सकता हूँ। एक नॉन क्रिश्चियन बहन आई, बड़ी रो रही थी हमारे आगे, वैसे जवान ही थी, ज्यादा आयु नहीं थी, करीबन 25 साल की, आज से 12 साल 15 साल पहले की, 12 साल से आसपास कुछ हुआ। रो रही थी, पति जो था वो बहुत ही बुरे किस्म का इंसान था, शराब पीता था, ये करता था, गंदी आदतें थी, फंस गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। तो हमने पूछा आप यहाँ कैसा है, तो बोला मैं प्रभु यीशु के विषय में मैंने थोड़ा कुछ जाना है, और मेरे पास में जो बहन रहती है उससे मैं दुआ करवाती हूँ, उन्होंने कहा एक बार चलो हाउस ऑफ प्रेयर में, हम के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप पास्टरों के पास इसलिए आए कि आप मेरे लिए भी आज दुआ करें। हमने दुआ करके प्यारो पता है उनको क्या कहा, हमने कहा आप अनमैरिड जैसे लड़की को जैसे लड़का, वैसा ही खूबसूरत, और ऐसा नहीं कि आपका डिवोर्स हुआ इसलिए ही मिलेगा, आपको एकदम अनमैरिड अच्छा अच्छे नेचर वाला लड़का प्रभु यीशु देगा। हमने प्रार्थना की, हमने अपेक्षा रखा, हमने कहा बहन धैर्यवान बने रहना, धीरज रखना, लड़का मिलेगा। और प्यारो हमने जब आती थी पास्टर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है, आप मेरे लिए दो बार, हम हर बार करते थे प्रार्थना और कहते थे बहुत जल्दी अच्छी एक बात आएगी। और तो पता है बाद में वो बहन एक साल तक बहुत अच्छा लड़का मिला। प्यारो प्रभु आपके लिए सब संभव बना सकता, लेकिन प्रभु यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को, अंधों को पूछा क्या तू विश्वास करता है, आप विश्वास करते हो कि मैं आपको आ सकता हूं, आप क्या आज विश्वास कर सकता है। तो हम प्रभु के दास चैलेंज उठाकर कहना चाहते हैं प्रभु आप स्वप्नों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, बड़ी बड़ी दीवारों को ढाकर वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। पहला, आपकी इच्छा, आपकी जरूरत, आपकी तकलीफ और आपकी खराब समय के विषय में आप लोगों को मत कहिए। ये आदत होती है, जितने मैं बीमार हूं, ऐसा 5 स्टेप आपको बताया, कभी नहीं भूलना। पहला ये है, आस्क गॉड, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से मांगिए जो आप देखना चाहते हो, जो चाहते हो। दूसरा जो है, बी स्पेसिफिक इन योर रिक्वेस्ट, जो आप मांग रहे हो उस स्पेसिफिक रहिए, रखिए, स्पेसिफिक बनिए, आप जो चाहते हो परमेश्वर से वो ही मांगिए, ऐसा वैसा नहीं, प्रभु हो सके तो ऐसा ऐसा नहीं, प्रभु से जो चाहते हो वो ही मांगिए आप, और प्रभु वो ही देगा, और प्रभु जो आप मांगोगे वो ही देगा। तीसरा है, आप उत्तर की अपेक्षा रखिए, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, आप स्पेसिफिक रहिए, तीसरा आप परमेश्वर से उत्तर पाने की अपेक्षा रखिए, तीसरा धैर्यवान बनिए। 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कोई बात नहीं, कुछ कुछ बातों में आपको दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहिए आप, और प्रभु जरूर आपके उत्तर देगा आपको। प्यारो धैर्यवान बने रहिए, और आखिरी हैव फेथ, आप विश्वास कीजिए, आपने वो गवाही सुनी, वो गवाही सुनी, परमेश्वर सकते जरूर है, विश्वास जरूरी है, लेकिन क्या आज आप ये विश्वास करते हो कि आपका जो ड्रीम है, स्वप्न है, वो प्रभु पूरा करेगा? क्या आप वो विश्वास करोगे आपके परिवार की जो व्यक्ति के स्वभाव के कारण आप दुखी होते हो? तो जरूर उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और प्रभु जरूर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए हम आखिरी दुआ करें। प्यारो आपकी
आंखों को बंद कीजिए और मैं आपके लिए आखिरी दुआ करना, हम लोग दुआ करना चाहते हैं, हम सारे प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारो आंखें बंद करके सबसे पहले पहला स्टेप है आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगिए। आप कोई बीमारी है आपके अंदर, आपके परिवार में कोई तकलीफ है, आपको किसी जरूरत, किसी चीज की जरूरत है, कोई भय सता रहा है, आपकी नौकरी चली जाए, ये होगा वो होगा, आप सुरक्षा चाहते हो परमेश्वर से, आप बच्चा चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई बढ़े, आप चाहते हो परमेश्वर खास रीति से आपका इस्तेमाल, कोई ड्रीम, आपका कोई ड्रीम है, आपके कोई कोई बीमारी है, कोई परिस्थिति ऐसी गंभीर है, आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगे। मैं आपको, हम लोग आपको समय दे रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, 2-3 मिनट हम लेंगे फिर हम खत्म करेंगे। आप मांगिए परमेश्वर से, प्लीज प्रार्थना कीजिए, जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप बैठे बैठे हो, आपने अपने अपने घरों में बहुत ही आपकी बिनती है। तीसरा, अपेक्षा रखिए प्रभु आपको जवाब देगा। धीरजवान बनिए और विश्वास कीजिए आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर आपको देगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रिय परमेश्वर, मैं और हम सब प्रभु के दास आज प्रभु ये सारे हमारे प्रभु भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए आपके सन्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, मैंने और हम सब ने बहुत सारे गुनाह किया है, हमारे सारे गुनाह और अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध करे प्रभु, हम सचमुच गुनेगार है, हम पर दया करे, अनुग्रह करे, हम माफी के योग्य नहीं है, लेकिन हमारे मोक्षदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। आप अनुग्रह करें, हम पर दया करें और सारे अपराध हमारे पापों को आप क्षमा करें। यीशु मसीह के नाम में आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन हमने किया है, यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध करें पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, मैं और प्रभु के दास सारे भाई बहनों ने जो कुछ मांगा है प्रभु, आपसे जो कुछ कहा है, यीशु मसीह के नाम से हम सारे दास प्रार्थना करते हैं, इनके स्वप्नों को यीशु मसीह में पूरा करे पिता। पिता, इनकी इच्छाओं को यीशु मसीह के नाम में पूरा करे। आपने जैसे प्रॉमिस दी है, इनके मनोरथों को आप पूरा करे पिता, इनके ड्रीम्स को पूरा करे, फुलफिल करे पिता यीशु के नाम में। पिता, उन्होंने जो कुछ मांगा है, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, उनके संकट के समय में भाई उनको कोई सता रहा है, बीमारी है, उनको कोई जरूरत है, उनके कोई ड्रीम्स है, तो हम पाक आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सन्मुख जाने के लिए उनकी और हमारी सहायता करें। पाक आत्मा, आप धैर्यवान बनने के लिए, धीरजवान बनने के लिए मेरी और हमारी आप सहायता करें। विश्वास करने के लिए आप प्लीज हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। हम विनती करते हैं आप विश्वास करने के लिए मेरे भाई बहनों की और हम सब की सहायता करें पिता। yes, और बहुत ही स्पेसिफिक बने रहने के लिए दुआओं में मेरे भाई बहनों की, मेरे परिवारों की सहायता करें मेरे खुदा। और पिता, जवाब और उत्तर की अपेक्षा रखने के लिए मेरी और हमारी आप सहायता करें पाक आत्मा। yes, मेरी दुआ है आज उन्होंने जो कुछ मांगा है, मैं और प्रभु के दास हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में पिता, इनकी मनोरथों को, ड्रीम्स को, इनकी दिल की इच्छाओं को पूरी करी जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर उनको कोई बीमारी है, यीशु नाजरी के नाम से डांट कर कहते हैं, अरे बीमारी घर से, शरीर से दूर हो, मानसिक रूप से अगर वो बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से वो मेंटली हील हो जाए, यीशु के नाम में फिजिकली हील हो जाए। अगर उनका कोई नेचर, उनके परिवार में उनका नेचर में कोई खराबी है पिता, पाक आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसे आपने इस संसार को, इस पृथ्वी को जो बेडोल थी,
उसको सुंदर बनाए, वैसे टीचर को भी सुंदर बनाए। हम प्रार्थना करते हैं इनकी जरूरतों को आप यीशु मसीह के नाम में पूरा कीजिए। हरेक दुष्टियां जो जीवन में इनके परिवार में काम करे, दुष्ट आत्माओं को, शैतान और शैतानी आत्मा के हरेक कामों को, हरेक शैतानी बंधनों को, हरेक श्राप जो इनके इर्द गिर्द है, इनके पर है, उनके बिजनेस पर है, हरेक श्राप को, हरेक शैतानी बंधनों को, शैतान और बीमारियों को यीशु के लहू में हम बांधते हैं। और खासकर कोरोना वायरस और इनके जो कोविड-19 का संक्रमण है उसको यीशु के लहू में हम बांध देते हैं। मत्ती 18:18 चलकर यीशु मसीह के नाम में एक कोरोना वायरस, हर एक बीमारी, हर एक महामारी, दुष्ट आत्मा यीशु के लहू में बांध कर हमारे पांव के तले कुचल कर तोड़ते हैं, विफल करते हैं। मेरे पर से और मेरे बच्चों पर से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आज हम मिलकर का लहू हमारे घरों पर, हमारे प्राण आत्मा शरीर परिवारजनों के ऊपर, जो भी आशीष हमने यीशु से पाई है, चाहे वीकल हो, चाहे बिजनेस हो, उस पर यीशु का लहू छिड़क देते हैं। और सामने जीवन का प्रोटेक्शन हम सब पर हम घोषित करते हैं। और हम आज्ञा देते हैं कोरोना वायरस और महामारी को, बीमारियों को, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, प्रभु यीशु के दास दास हैं। हम और हमारे परिवार और हम जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप हमें छुओ। यीशु के नाम से हम नकार देते हैं, दूर होने की आज्ञा देते हैं, चले जाओ यीशु के नाम में, यीशु के लहू में हम और हम सब कुछ, हम पूरे यीशु के लहू में, परमेश्वर के मेमने के लहू में हम सील करते हैं। और पिता हम प्रार्थना करते हैं, शांति आपकी, आपका आनंद, खुशी हम सब के दिलों में, हमारे बीच, हमारे परिवारों में बना रहे, हमारे प्रियजनों को, परिवारों को, विवाहित जीवन को, बिजनेस को आप सुरक्षित रखिए पिता। सारे जो मंदी है प्रभु, उससे हमारे बिजनेस और नौकरियों को बनाए रखना। जी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके लिए नई अच्छी और अच्छी सेवा की नौकरी और बिजनेस हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता इनको अच्छी नौकरी दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, पिता सुने और कबूल करे। आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना साथ मिलकर करें। ओ आकाश मना नाम 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु का परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर आत्मा की सहभागिता, हम सब के साथ, हम सब से लेकर हमेशा तक, और खास तक, जितने भी विधवा है, विदुर है, अनाथ है, विदुर है, और अकेले हैं, और कहीं ले चुके हैं, कहीं दुखी है, अपने प्रियजन को गवाया है, प्रियजन सब के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे, साथ मिलकर रहे, साथ मिलकर रहे। आमीन।